इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली बताता है क्या है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्टिकल उसका एग्जैक्ट पोजिशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम हमको एक्यूरेटली फाइंड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फिर वो मोशन कर रहे हैं, इधर रिवॉल्विंग होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड है इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन किस पोजिशन में है, किस मोमेंटम से रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको एग्जैक्टली फाइंड करना इम्पॉसिबल है। मान लो आपका पी है मोमेंटम और एक्स है पोजिशन, तो आपका पी और मोमेंटम दोनों को एक साथ, ठीक है, या अलग अलग भी फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो इस पहले प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी सिमिलरसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। ठीक है, हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज, यहाँ पे देखिए ये जो डेल एक्स है वो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है और डेल पी है जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। ठीक है, यहाँ पे एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और यहाँ पे 4π एज इट इज। ठीक है, तो आपका जो पोजिशन होता है और साथ मोमेंटम, उस दोनों को एक साथ परफेक्टली फाइंड करना इम्पॉसिबल है। तो उसका जो एक्सप्रेशन मिला हमको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वो है डेल एक्स इंटू डेल पी, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट बाई 4π। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है, इसमें आप ये हमको पता चलता है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन दैट इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन डेल एक्स इज़ वेरी स्मॉल देन डेल पी वुड बी वेरी लार्ज। ठीक है, अब डेल एक्स इज इंटू डेल पी है, ठीक है, उसका इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टर्म में दिया। ठीक है, कांस्टेंट, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम, क्योंकि ये इसको कांस्टेंट ही आना है तो ये फिक्स है। तो ये ज़्यादा होगा तो इसको कम होना है, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होना है। जैसे कि 6 × 4 कितना आएगा, 24, ये फिक्स है 24 ही लाना है। तो अब इसको इसको 4 करेंगे, इसको 6 करेंगे, ये भी 24 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा। ठीक है, इस टाइप से ये थोड़ा सा अनलॉजिकल एग्जाम्पल था, लेकिन इसको समझ रिलेट कर लीजिएगा। सिमिलरली इफ वी मेजर वेलोसिटी विथ लेस अनसर्टेनिटी देन द अनसर्टेनिटी इज रिगार्डेड विथ रिगार्डेड विथ पोजिशन बिकम लार्ज। ठीक है, अगर हम लोग जो वेलोसिटी मोमेंटम बेसिकली वेलोसिटी से रिलेटेड होता है उसको ज़्यादा एक्यूरेटली या कम एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो इसमें चेंजेस आएगा। ठीक है, जब इसमें एक्यूरेट आएगा तो इस जब आपका पोजीशन में एक्यूरेट आएगा तो मोमेंटम में थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, मोमेंटम में एक्यूरेट आएगा तो पोजीशन में गड़बड़ा जाएगा। तो ये आपको बेसिकली कहना चाहता है, दोनों को एक साथ एक्यूरेटली फाइन नहीं कर सकते, अगर एक एक्यूरेटली फाइन हुआ दूसरा वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, दूसरा वाला को अच्छा किए तो पहला वाला गड़बड़ हो जाएगा। तो बस यही, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास 1 से लेकर बीएससी थर्ड ईयर तक किसी भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर या कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो उस क्वेश्चन या चैप्टर या टॉपिक को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो इस चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ जाके आप वीडियोस चेक कर सकते हैं।